ये 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये मेरा 10th क्लास के लिए पांचवा लेक्चर है और इस 5th लेक्चर में मैं करंट के इफेक्ट पर ही रन कर रहा हूँ। हाँ, परंतु आपका एक चैप्टर नया स्टार्ट हो जाएगा, मैग्नेटिज्म। एक्चुअली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आपको कंटिन्यू में पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, घर का डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, फ्यूज का क्या उपयोग होता है, बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज करते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम अगले वीडियोस में लेते रहेंगे। इस वीडियो में कुछ समझाऊंगा, कुछ अगले वीडियो में समझाऊंगा और दो वीडियो शायद लगेंगे, तो इन दो वीडियोस में आपका बहुत कुछ कंटेंट कवर हो जाएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही क्लियर है कि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आना। किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आना? करंट के कारण। माना ये वायर है और इस वायर में यदि करंट को फ्लो किया जाए, किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरली देखी किससे जाती है? कंपास निडल से। किससे देखी जाती है? कंपास निडल से। अब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चालू होगी कि सर हमको तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं पता है, तो मैं इस टॉपिक को बाद में उठाऊंगा। यह प्रैक्टिकल करने वाले साइंटिस्ट थे ऑरस्टड। कौन थे? ऑरस्टड। साइंटिस्ट ऑरस्टड ने पहली बार जब कभी वायर से करंट फ्लो किया तो उन्होंने देखा कि पास में रखी हुई कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और कंपास निडल में डिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई नई मैग्नेटिक फील्ड उसके पास आए। तो करंट फ्लो करने से कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा था। किसमें करंट फ्लो कर रहे थे? कंडक्टर में। जब जब ऑरस्टड साहब ने किसी वायर या कंडक्टर में करंट फ्लो करा तो उसके पास में उन्होंने यह पाया कि एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी। अब आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फील्ड की, तो मेरा पहला टॉपिक अब आपके पास जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली आपकी बुक में स्टार्टिंग यहीं से है इसलिए मैंने स्टार्टिंग दिया, परंतु अब मैं आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड समझाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक्चुअली किसी मैग्नेट को आपने देखा हो, एक तरफ अपन कहते हैं नॉर्थ होता, एक तरफ क्या होता है? साउथ पोल होता है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है? साउथ पोल होता है। अब अगर इस मैग्नेट के आसपास का एक एरिया होगा, इस एरिए में यदि हम किसी आल्पिन को या किसी लोहे की चीज को, छोटी चीज को लाएं, तो ये अट्रैक्ट करता। इससे बाहर अगर ये मैग्नेट पड़ा है या कोई यहाँ पर आयरन की चीज पड़ी है, मैग्नेट पे भी फोर्स लगाता है मैग्नेट और आयरन पे भी लगाता है। तो अगर इस क्षेत्र के बाहर, इस एरिए के बाहर अगर कोई आयरन का पीस है या मैग्नेट का पीस है तो इस पर यह मैग्नेट फोर्स नहीं लगा रहा है, तो मतलब वो बियॉन्ड द फील्ड चले गया, मतलब इसके प्रभाव क्षेत्र इफेक्ट वाले एरिया से वो बाहर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और अराउंड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द मैग्नेट और अराउंड अ करेंट कैरिंग कंडक्टर अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी मेजर्ड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हम हिंदी में कह सकते हैं किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक मैग्नेटिक फोर्स को महसूस किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, उस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब होता है क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, यदि यहां पर एक कंपास निडल रखी है, ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर कंपास निडल है, तो यहां पर जो मैग्नेट कंपास निडल है उस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड काम करती है? अर्थ की। आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, आपको छोटी क्लासेस में भी समझाया जाता है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट एज्यूम किया गया है, एक मैग्नेट एज्यूम किया गया है जिसके कारण अपनी पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। अगर हम किसी बार मैग्नेट को रस्सी में बांधकर टांग दें और उसको घुमाकर छोड़ दें तो हर बार वह बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती जिसके कारण वो नॉर्थ साउथ में रुकता है।
अब मैं आपको समझाऊंगा कंपास निडल। कंपास निडल में भी फ्रीली मूवमेंट करने वाला एक छोटा सा मैग्नेट होता है, फ्रीली मूवमेंट करने वाला एक छोटा सा बहुत ही बारीक मैग्नेट होता है, और उस मैग्नेटिक निडल को अगर हम बाहर रखते हैं तो वो भी किधर रुकेगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रुकती है। अब यदि यह कंपास निडल धीरे धीरे किधर लाई जाए? हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड एरिया में। तो जब यहां लाते हैं तो ये इसका नॉर्थ इस तरफ शिफ्ट होने लगता है, साउथ ऐसा। अगर इस साउथ पास जाएंगे, जितना साउथ पास जाएंगे तो नॉर्थ उसका साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। कुल मिलाकर इस एक्सटर्नल मैग्नेट के कारण अभी दो मैग्नेटिक फील्ड हो चुकी है, एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, एक इस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कल के बाहर काम कर रही है, इस सर्कल के अंदर उसका प्रभाव कम हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट पड़ोस में आ चुका है, पास में है, पास में रखा हुआ है। भले बहुत छोटा मैग्नेट है, परंतु यह इस कंपास निडल के बहुत ही क्लोज है, इसलिए इस पर इसका मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, जिससे कंपास निडल क्या हो जाती है? डिफ्लेक्टेड हो जाती है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पहला टॉपिक था। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड द चार्ज अप टू विच द इफेक्ट ऑफ चार्ज कैन बी मेजर्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड। आप क्या मैग्नेटिक फील्ड में अभी जी रहे हो? यस, आप अभी एक अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में सर्वाइव कर रहे हो। मैं भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में सर्वाइव कर रहा हूं। अगर मैं एक बार मैग्नेट को रस्सी में बांधकर यहाँ टांग दूं, उसको घुमा दूं, तो हर वक्त वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसीलिए रुकता है क्योंकि उस पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है। और जो कंपास निडल होता है उसमें भी एक छोटा सा बार मैग्नेट ही होता है, बहुत ही छोटा बार मैग्नेट माना जाएगा। और जब यह जो बार मैग्नेट होता है, इसको हम कंपास निडल को इस मैग्नेट के पास में लाते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं करती तब उस पर, अब पड़ोस में रखा हुआ ये मैग्नेट काम करने लगता है। तो देर इज अ डिफ्लेक्शन इन द कंपास निडल। क्लियर हो गया? तो कंपास निडल में डिफ्लेक्शन कब आता है? कंपास निडल हमेशा कहाँ रुकती है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। परंतु यदि उसके पास में कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो उस मैग्नेट के प्रभाव के कारण कंपास निडल क्या करती है? डिफ्लेक्शन देती है। अब जरूरी नहीं है कि हर वक्त मैग्नेट लाया जाए, क्योंकि कंपास निडल में डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। कंपास निडल में डिफ्लेक्शन किसके कारण होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर। अब आप किसी भी तरीके से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो, भले वो मैग्नेट लाके करो और कोई और तरीके से। अब आप समझ में आ गया, यदि आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो और प्रैक्टिकल के दौरान आपके पास यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन ही कर रहे हो मान लो, और साथ में कंपास निडल रखी है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने से उस कंपास निडल में मान लो डिफ्लेक्शन हो गया। कल्पना करो, कल्पना करना है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कल्पना करो कि ये केमिकल रिएक्शन कर रहे हो और उस केमिकल रिएक्शन के कारण साइड में रखे कंपास निडल में क्या हो गया? डिफ्लेक्शन हो गया। तो आपका माइंड कहेगा, आपका माइंड फोर्स करेगा कि नहीं, मेरी इस केमिकल रिएक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बनी है, नहीं तो कंपास निडल तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती। कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हुआ है, इसका मतलब है कि मेरी रिएक्शन से कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनी है। अब ऐसी ही घटना किसके साथ घटी थी? अरेस्टर साहब के साथ घटी थी। अरेस्टर साहब ने क्या देखा कि एक वायर में करंट फ्लो करा। किसमें फ्लो करा करंट? एक कंडक्टर में करंट फ्लो करा। और जैसे ही कंडक्टर में करंट फ्लो करा तो पास में रखी हुई कंपास निडल में क्या हुआ? डिफ्लेक्शन हुआ। ये प्रैक्टिकल उन्होंने एक बार नहीं करा, हजारों बार करा। कभी कंपास निडल को ऊपर रखते वायर के, तो कभी कंपास निडल को नीचे रखते, कभी करंट की वैल्यू बढ़ाते तो कभी करंट की वैल्यू कम करते, कभी करंट की डायरेक्शन बदलते। उन्होंने पाया, हर बार पाया कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन। जब कभी भी किसी भी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके पास में रखी हुई कंपास निडल में डिफ्लेक्शन होता ही है। तो इस आधार पर उन्होंने कंक्लूजन कर लिया, उन्होंने के दिया, उन्होंने सेंटेंस डिक्लेयर कर दिया कि व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर, व्हेनेवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस इफेक्ट ऑफ करंट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और उन्होंने ये भी बताया कि यदि हम करंट की दिशा बदल देंगे, यदि हम करंट की डायरेक्शन बदल देंगे तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। यदि हम करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, करंट की वैल्यू कम करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर
एक हमारे पास कंक्लूजन आया। क्या कंक्लूजन है? आखिरी लाइन एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्हेन एवर देयर इज द फ्लो ऑफ करेंट इन अ कंडक्टर अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है और साथ ही साथ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी तो है ही है, परंतु वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और इसकी यूनिट जो होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। क्या यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की? यूनिट टेस्ला। अब वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन होगी। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किस दिशा में होगी, क्या डायरेक्शन में होगी, उसको बताने के लिए आगे दो नियम आए। दो और साइंटिस्टों ने मेहनत करी, क्योंकि जो फिजिक्स है या जो साइंस है वो किसी एक साइंटिस्ट के कहे हुए सेंटेंस के आगे नहीं चलता, उसके बाद कई साइंटिस्ट उसमें रिसर्च करते हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट होता ही चलता है। तो इनके बाद जो साइंटिस्ट आए अरेस्टर साहब के बाद, वो आए बायो सावर्ट साहब। कौन से साइंटिस्ट? बायो सावर्ट। दो साइंटिस्ट थे वैसे, उसमें नाम ही में क्लियर है, बायो एंड सावर्ट। तो जो वो बायो सावर्ट दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि किसी कंडक्टर से, ये कोई कंडक्टर है, कोई वायर है जो मैंने यहां दिखाया, ये एक्स वाई एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। इसका एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया, पूरा वायर नहीं ले रहा हूं, कितना पोर्शन लिया वायर के टुकड़े का? डीएल लेंथ का। इस छोटे से डीएल लेंथ के टुकड़े के कारण ये जो मैंने क्रॉस पॉइंट लगाया, इस पॉइंट को मैं बोल देता पी, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? इस एलिमेंट्री पोर्शन से पॉइंट पी की दूरी कितनी है? आर है। तो इस आर दूरी पर जो पॉइंट पी है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो बायो सावर्ट ने फॉर्मूला दिया बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई। ये कांस्टेंट है, आप घबराए नहीं, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, परंतु मुझे पता है कि आप एनटीएससी दोगे, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, और जो बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहता है उसको एक स्टेप आगे रह के सोचना चाहिए। तो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां से क्लियर क्या क्या हुआ, ध्यान से देखें। अगर करेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। दूसरी बात, अगर पॉइंट जितना ज्यादा दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होते जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और नॉट ओनली इनवर्सली, इनवर्सली के साथ साथ स्क्वायर भी लगा है नीचे, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है। तो यहां जितना दूर जाएंगे तेजी से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते जाएगी? कम होते जाएगी। और दूसरी बात, अगर कंडक्टर जितना बड़ा लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हमने आपके टेंथ से थोड़ा सा हटके पढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। सिंबल क्या है? बी। बी के ऊपर क्या लगाना है? एरो, क्योंकि कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। और कितनी होगी किसी कंडक्टर के कारण, उसको सबसे पहले फॉर्मूला देने वाले थे बायो एंड सावर्ट। बायो सावर्ट, उन्होंने अपना एक लॉ दिया, उसको कहते हैं बायो सावर्ट लॉ, जो आप 12th में पढ़ोगे। और उस बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसी को थीटा नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, थीटा यहां का एंगल लिया जाता है। चलिए, अभी 10th वालों को साइन थीटा भी नहीं पता है, आप लोगों के लिए जल्द ही कल परसों में मैं एक आपका वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा आप लोगों को मैं। अब इसके बाद बी में, फिर मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो उसमें मैग्नीट्यूड इससे पता चल गया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे पता चलेगी, क्योंकि बी वेक्टर है और वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड से पता चल गया बायो सावर्ट लॉ से, डायरेक्शन किससे पता चलेगा? तो डायरेक्शन के लिए नियम आया, उसको कहा गया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल राइट हैंड थंब रूल बहुत ही सिंपल रूल है। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, किसके अक्रॉस? किसी कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो उस करेंट कैरिंग कंडक्टर को एज्यूम करना है, रियल में पकड़ना नहीं है आपको, है ना, एज्यूम करना है कि आपने उसको आपके अपने सीधे हाथ में पकड़ा हुआ है, और आपके सीधे हाथ का अंगूठा यदि करेंट के बहने की दिशा दिखाता है, तो आपके उंगलियों का जो घुमाव है, कर्व पाथ ऑफ योर फिंगर्स, ये जो कर्व पाथ ऑफ फिंगर्स है, दिस विल शोस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर से एक बार बताऊंगा, जैसे ये कंडक्टर है, इसमें आपका करंट अपवर्ड है, आप इसको ग्रैप्स करो, यूं पकड़ने की कोशिश करो, तो अंगूठा कहां दिख रहा है? ऊपर की ओर, करंट की दिशा में,
यस, अंगूठा करंट की दिशा दिखा रहा है। तो ये जो उंगलियों का घुमाव है आपका, ये क्लियर हो रहा है? उंगलियां इधर से बाहर आ रही और इधर अंदर जा रही, जिधर से बाहर आ रही उधर से बाहर निकालो, जिधर से अंदर जाए अंदर। तो ये होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, द कर्व पाथ ऑफ योर फिंगर। तो मैं पूरा सेंटेंस बोलना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, इफ वी ग्रेप अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर इन अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट थंब ऑफ द राइट हैंड शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन द कर्व पाथ ऑफ द फिंगर्स, देन द कर्व पाथ ऑफ द फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। तो दिस इज अवर राइट हैंड थंब रूल। तो आपको राइट हैंड थंब रूल समझ में आ गया। आपको अब समझ में आ गया है कि किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो होता है तो उसके चारों ओर क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार मैग्नेट के अक्रॉस बनाना सिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन देना सिखाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, किसी बार मैग्नेट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है। इन तीन टॉपिकों पर हम चलते हैं। एज्यूम करना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ये चैप्टर आपको पूरे मार्क्स दे के जाएगा, बिकॉज यहां से एक भी न्यूमेरिकल नहीं आता है। और न्यूमेरिकल नहीं आता है, मतलब थ्योरी है। आप ये इस वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार सुन लो तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ये एक नॉर्थ पोल मैग्नेट का होता है, मैग्नेट हमेशा साउथ पोल होते हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं पहले ही, इस मैग्नेट के कितने भी स्मॉल पीस कर दूं मैं, अगर मेरी इच्छा हुई कि चलो यार मैं इस टुकड़े को अलग कर देता हूं और ये मैंने एक टुकड़ा अलग कर दिया, तो आपको ये बता दूं कि इसका नॉर्थ और साउथ अलग नहीं हुआ। फिर इसका एक मुंह नॉर्थ बन जाएगा, एक मुंह क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। मैंने फिर इसके टुकड़े कर दिए तो इसका एक मुंह फिर नॉर्थ बन जाएगा, एक मुंह क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। इसके कितने भी स्मॉल से स्मॉल स्मॉल से स्मॉल स्मॉल से स्मॉल पीस करते जाऊं, परंतु कभी भी मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ को मैं अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह उसके एक एक एटम की प्रॉपर्टी है, उसके हर एक एटम में यह प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? जो नॉर्थ साउथ दिखाने की प्रॉपर्टी है उसके हर एक एटम में है। तो आप कितना अलग करोगे? एटम को तो हासिल नहीं किया जा सकता। तो आप कितना भी स्मॉल पीस करो, जितना भी स्मॉल पीस करो, आखिर में जो भी पीस रहेगा उसमें करोड़ों एटम होंगे और हर एक एटम में प्रॉपर्टी कि एक मुंह उसका नॉर्थ दिखाएगा और एक पोर्शन उसका साउथ दिखाएगा। तो इसलिए हम मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को कभी अलग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? अब ये एक बार मैग्नेट है आपका, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है। अब हमने क्या किया? एक सिंगल नॉर्थ पोल एज्यूम किया। क्या किया? एज्यूम सिंगल नॉर्थ पोल। अब बोलो सर आप मजाक करते हो, पहली बार बोलते हो कि नॉर्थ और साउथ अलग नहीं कर सकते हो और अब यहां कह रहे हो कि सिंगल नॉर्थ पोल एज्यूम करो। हाँ एज्यूम तो कर सकते हो यार भाई, लाने को थोड़ी कह रहा हूं। एक्चुअली ये प्रैक्टिकल जो परफॉर्म होता है कंपास निडल से होता है और कंपास निडल में दोनों पोल्स की हेल्प लेकर ही चलते हैं हम लोग, परंतु आपको डेफिनेशन देना है इसलिए उसको एज्यूम वर्ड यूज किया। तो मान लीजिए सिंगल नॉर्थ पोल है तो क्या नॉर्थ नॉर्थ के पास आएगा? नहीं, नॉर्थ नॉर्थ से कैसा होगा? दूर जाएगा। आपको पता है कि मैग्नेट का नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो अब अगर ये मैग्नेट इस तरफ जाएगा, अगर ये यहां रखा होता तो इसको यू फोर्स लगता, अगर ये यहां रखा होता तो इस नॉर्थ को इस प्रकार से फोर्स लगता, और अगर ये यहां रखा होता तो इधर फोर्स लगता, ये यहां रखा होता नॉर्थ पोल तो इधर लगता, इस नॉर्थ पोल को इधर फोर्स लगता, ये यहां होता तो इस तरफ और यहां होता तो ये इस तरफ। मतलब जो नॉर्थ पोल है उसको ये नॉर्थ धक्का देता, भगाता और इसको क्या करता? दूर करने की कोशिश करता, और ये साउथ क्या करने की कोशिश करता? अट्रैक्ट करने की कोशिश करता। समझ में आ रहा है? तो एक पर्टिकुलर पाथ होगा, रास्ता होगा जिस पर चलकर यह नॉर्थ पोल किसमें समाने की कोशिश करेगा? साउथ तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर ये नॉर्थ पोल यहां होता तो ये इस रास्ते को फॉलो करके आता, अगर ये नॉर्थ पोल यहां होता तो इस रास्ते को फॉलो करके आता। ये नॉर्थ पोल यदि यहां होता, इमेजिनरी नॉर्थ पोल है, इंडिविजुअल इमेजिनरी नॉर्थ पोल बोलते इसको, अगर ये यहां होता तो इस पाथ को फॉलो करके आता, अगर ये यहां होता तो इस पाथ को फॉलो करके आता। सब कहां से आते हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। और ये सभी लाइनें क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस पर यह नॉर्थ इस नॉर्थ पे फोर्स लगाएगा और साउथ भी फोर्स लगाएगा। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करने का फोर्स लगाएगा, साउथ उसको अट्रैक्ट करने का फोर्स लगाएगा। मतलब दिस इज अ लाइन ऑफ फोर्स ही है एक हिसाब से, जिस पर
ये लाइन ऑफ फोर्स है जो मैग्नेट रिलीज कर रहा है और इसके ऊपर नॉर्थ पोल चलता है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनका बर्थ कहां से हुआ, मैग्नेट के नॉर्थ से, खत्म कहां होती है, मैग्नेट के साउथ पर, बार मैग्नेट के केस में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ, है ना, रास्ते, बहुत सारे रास्ते बनाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अलोंग विच, अलोंग विच मतलब जिस पर, अलोंग विच इंडिविजुअल इमेजिनरी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कैन फ्रीली मूव, इमेजिनरी इंडिविजुअल नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कैन फ्रीली मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अलोंग विच इंडिविजुअल इमेजिनरी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कैन फ्रीली मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेट में नॉर्थ से कहाँ चालू होती है, साउथ में जाती है। और यह भी इमेजिनेशन से, यह भी कल्पनाएं हैं कि इनसाइड द मैग्नेट कहाँ चलती है, साउथ से नॉर्थ चलती है। पर आपको मैं ये क्लियर कर दूं, इनसाइड मैग्नेट नहीं बताया जाता, इनसाइड एक होगा सोलेनॉइड हम पढ़ेंगे, कहाँ क्या पढ़ेंगे, सोलेनॉइड, बार मैग्नेट का एक रूप होगा, अभी अगली स्टेप में हम पढ़ेंगे, उसके अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द पाथ अलोंग विच इंडिविजुअल इमेजिनरी नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट कैन फ्रीली मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये डायग्राम आपको बनाना है, एग्जाम में आता है, इसको क्या कहते हैं, स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन कैसे आता है, स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। आप ध्यान रखें इसमें सभी एरो कहां लगेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, तो कम से कम तीन या चार प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। सिंपल सी बात है, कैसी स्टार्ट होती है, नॉर्थ पोल से। कहां खत्म होती है, साउथ पोल पर। इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड ऑन साउथ पोल, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दे ऑलवेज मेक्स क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। इनके जो लूप्स होते हैं वो लूप्स कैसे बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक्स कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स। ऐसा नहीं होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से यहां तक नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर एक बार स्टार्ट हुई तो ये कंटिन्यू होती है और क्लोज्ड लूप होती है। क्लोज्ड लूप का मतलब क्या है कि मैग्नेट से चालू होती है और मैग्नेट में ही खत्म हो जाती है, ठीक है, बाहर कहीं नहीं, जो ऐसे बाहर से आ रही है और बाहर जा रही है, ऐसा नहीं है। मैग्नेट्स के नॉर्थ से स्टार्ट हो, मैग्नेट के साउथ में खत्म है, जिससे चालू उसी में खत्म हो गए एक हिसाब से, तो इसको क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड लूप बन जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ पर खत्म होती है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेकिंग कंटिन्यूअस क्लोज लूप। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दें, जैसे ये यहाँ है, इस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो यह टेंजेंट उस पॉइंट पर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। जैसे इस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे बी किधर होगा, इधर होगा, जैसे यहां पर, तो बी की दिशा यहां पर ऐसी होगी। तो क्या कह सकते हैं हम, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पर केवल क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट, एंड दैट टेंजेंट विल शोस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगली बात, एट द पोल्स अगर आप देखोगे तो इनकी डेंसिटी ज्यादा है, और इक्वेटर पे देखोगे तो बहुत दूर दूर हो गई है, तो यहां इनकी डेंसिटी कम है, यहां इनकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जहां इनकी डेंसिटी कम है मतलब यहां मैग्नेटिक फोर्स कमजोर हो जाता है, और यहां मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स की लाइन है। अब मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ फोर्स है, अब लाइन ऑफ फोर्स यहाँ ज्यादा फोर्स की लाइनें आ रही, तो यहाँ फोर्स ज्यादा रहेगा, और यही कारण है कि मैग्नेट के नॉर्थ के वहां पे ज्यादा अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू सेंटर पॉइंट। इसके बाद की प्रॉपर्टी, ये हो गई फोर्थ। फिफ्थ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर 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 इंटरसेक्ट इच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अब आपको इसको प्रूफ करना है टेंथ क्लास में, आप कैसे साबित करोगे, कैसे शो करोगे कि दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि दिखती तो है नहीं आप,
आप कैसे मैथमेटिकली, कैसे थ्योरेटिकली, किन लाइनों के आधार पर, किन सेंटेंस के आधार पर यह कह सकते हो कि मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है? दिखाता हूं मैं आपको, समझाता हूं। तो ये मेरी पांचवी प्रॉपर्टी और आखिरी प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अलावा भी आपकी बुक्स में लिखी होगी, तो आप अच्छे से बुक्स को पढ़ें और लॉकडाउन का मजा लें घर बैठ बैठ के पढ़कर, ठीक है? केवल सोने और खाने और पीने और घूमने से टाइम खराब ना करें, क्योंकि आप 10th में आ चुके हैं। चलिए मान लेते हैं, हम उल्टा मान लेते हैं, हमको प्रूफ करने को क्या कहा गया है? हमको प्रूफ करने को कहा गया है कि टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें यह सिद्ध करना है कि दो मैग्नेटिक लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। बट मैं उल्टा मानता हूं, मान लेता हूं, लेट आई एज्यूम दैट टू मैग्नेटिक लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है? किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एट पॉइंट ए। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पर मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? दो। दिख रहा है ये एक कर्व है, तो इस कर्व के आधार पर एक टेंजेंट ये हो गई, और ये दूसरा कर्व है तो इस दूसरे कर्व के आधार पर ये दूसरी टेंजेंट होगी। और टेंजेंट क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आप देखोगे कि एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो दो डायरेक्शन। हाउ इट इज पॉसिबल? किसी एक पॉइंट पर किसी एक वेक्टर की नेट वैल्यू एक ही डायरेक्शन में होती है। वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में नेट जो डायरेक्शन होती है वो किसी एक बिंदु पर एक ही होती है। अब यहां पर पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की कितनी डायरेक्शन आ रही है? दो डायरेक्शन आ रही है, जो कि क्या है? गलत हो रहा है, क्योंकि वेक्टर लॉ ये कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन कितनी होती है? वन। अब पॉइंट ए पर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बी की कितनी डायरेक्शन हो गई? दो, जो कि गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि हमने उनको इंटरसेक्ट करते हुए मान लिया। अर्थात क्या मीनिंग निकला? कि टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते थे, और ये कॉन्ट्राडिक्शन के आधार पर ही प्रूफ होता है। चलिए, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब एक मुंह से शब्द निकला था सोलेनॉइड। क्या निकला था? सोलेनॉइड। तो पहले हम सोलेनॉइड समझेंगे कि सोलेनॉइड क्या है। आपके पास घर पर कोई भी इंसुलेटेड मटेरियल का एक होलो पाइप हो, इंसुलेटेड मटेरियल का, यू नो इंसुलेटेड मटेरियल, कॉपर, नहीं भाई एल्यूमिनियम, नहीं भाई कॉपर, एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है, मैं इंसुलेटेड मटेरियल की बात कर रहा हूँ। प्लास्टिक ले लो आप, या फिर बांस होगा, लकड़ी का बांस आता है खोखला, वो ले सकते हो आप। तो किसी भी इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर यदि हम कॉपर के वायर की क्वाइल बनाए, एक हम कंडक्टिंग मटेरियल की क्या बना रहे हैं? क्वाइल बना रहे हैं, और इस कंडक्टिंग मटेरियल की क्वाइल में अगर हम करंट फ्लो करें, क्या फ्लो करें? करंट फ्लो करें, ये इसका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और एक बैटरी हमने स्विच लगा दिया, छोटी लाइन माइनस की, बड़ी लाइन प्लस की, मैं प्लस उधर भी लगा सकता था, माइनस इधर भी लगा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यह पाते हैं कि जैसे ही करंट फ्लो होता है तो यह पूरे सिस्टम में एक मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाई देने लगता है, और इस सोलेनॉइड, इसको सोलेनॉइड कहा जाता है, इसका एक मुंह मैग्नेट के नॉर्थ पोल की भांति कार्य करता है और एक मुंह इसका साउथ पोल की तरह कार्य करता है। मैं बहुत हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से बुक से पढ़ें। तो जैसे ही हम करंट फ्लो करते हैं तो इसका एक फेस नॉर्थ पोल इंडिकेट करता है, दूसरा फेस क्या करता है? साउथ पोल। इस बात का ध्यान दें कि जो माइनस वाला फेस है वो नॉर्थ पोल बताने लग जाता है, प्लस वाला साउथ। याद रखने के लिए ये नेगेटिव पोल है तो एन याद रख लो, नॉर्थ पोल क्रिएट करने लग जाता है, और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाती है। क्या बन जाती है? इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ठीक वैसी ही होती है जैसे कि बार मैग्नेट के चारों तरफ होती है। अभी आपने बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी थी ना, सेम टू सेम वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब किसके अराउंड क्रिएट हो रही है? सोलेनॉइड के अराउंड। और जैसे ही करंट बंद कर दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंद हो जाती है। इज इट क्लियर? तो दिस इज नोन एज सोलेनॉइड, और ये जो मैंने बनाया है ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या आता है? स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड, स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करेंट कैरिंग सोलेनॉइड।
आई थिंक सो आपको समझ में आ गया कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है। अब यहीं पे एक वर्ड समझूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर मैं इस सोलेनॉइड के अंदर क्या करूं, इस सोलेनॉइड के अंदर एक लोहे की रॉड रख दूं, एक आयरन की मैंने क्या रख दी, रॉड रख दी। ओके, ये अंदर है, ये इसके इनसाइड है, इज इट क्लियर, और बाहर से ये इंसुलेटेड मटेरियल का सिलेंडर है। अब इसके चारों ओर मैंने वायर लपेटा और जैसे मैंने करंट फ्लो करा तो ये जो अंदर लोहे की रॉड थी, अब ये लोहे की रॉड जैसी बर्ताव नहीं करेगी, डिक्टो मैग्नेट बन गई। क्या बन जाती है, मैग्नेट बन जाती है, जैसा हम लोग बार मैग्नेट को देखते हैं। मतलब अब आपके पास एक बार मैग्नेट बन गया और इस मैग्नेट का प्रभाव तब तक रहेगा जब तक आप करंट फ्लो करोगे। अगर आप करंट की क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो ये अंदर लगे हुए लोहे की रॉड में जो मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ वो ज्यादा हो जाएगा। करंट की वैल्यू कम कर दोगे तो इसका मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा। इस पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ये जो कॉइल है इस पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो तो अपने आप यहाँ पे मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भैया ये मैग्नेट कब बना, जब इसमें कॉइल में क्या फ्लो हुआ, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी ने इस मैग्नेट को जन्म दिया, इसलिए इसको कौन सा मैग्नेट कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आपको बता दूं बड़ी बड़ी क्रेने इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही काम करती है। आजकल बहुत सारी ट्रेनें, सुपर फास्ट ट्रेनें इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट पर रन कर रही है। सो नाउ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, करंट की वैल्यू बढ़ाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देना चाहिए उसमें पर यूनिट लेंथ, जिससे कि क्या हो जाता है, इसमें उसका पावर बढ़ जाएगा। सोलेनॉइड समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ में आ गया। चलते हैं, चलते चलिए, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत कुछ समझ में आने लगेगा आपको। बहुत टेंशन ले रहे थे कब पढ़ेंगे कब पढ़ेंगे, आपके पास अब मेरे पांच पांच छः छः लेक्चर्स हैं, गो थ्रू करें। आपको बता दिया जाए कि पहले सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम होती है, तो सितंबर में जो हाफ ईयरली एग्जाम होती है उसमें फिजिक्स के दो ही चैप्टर आते हैं और लगभग ये दोनों चैप्टर में कंप्लीट करवाने पे आ रहा हूँ। कहाँ टेंशन लेते हो, घर पर बैठकर इसको पढ़ो अच्छे से, गो थ्रू करो, ठीक है। इसके बाद हम आपको मैथ्स के चैप्टर भी पढ़ा देंगे, आपको बस घर पर इसका फायदा उठाते आना चाहिए। तो हम लोग अभी किन किन टॉपिकों पे आए, सोलेनॉइड के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, एक और टॉपिक है आपके टेंथ क्लास में, यू एक क्वेश्चन आता है, स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। मैं लेता हूँ एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ले लेता हूँ, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है। अब क्या हुआ, इसके दो मुंह होंगे, कहीं से करंट घुसेगा और कहीं से करंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये करंट घुसा, यूं करंट ऊपर जाएगा, ठीक है, यूं नीचे आएगा घूमते हुए वायर से, यूं करते हुए बाहर निकल जाएगा। यहाँ कहीं मैंने बैटरी वैटरी लगाई होगी जिससे करंट बहना चालू हो गया होगा इस सर्कुलर लूप में, मुझे वो शो करने की जरूरत नहीं है। क्या बह रहा है, करंट। अब मुझे क्या बताना है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड। अब जरा ध्यान से देखें राइट हैंड थंब रूल। तो ये अंगूठा मेरा बता रहा तीर की दिशा में, करंट की दिशा इधर है, यस। तो ये राइट हैंड थंब रूल में अंगूठा भी उधर जा रहा, तो उंगलियां कहाँ जा रही है, ऊपर से अंदर और नीचे से कहां निकलेगी, ये बाहर। मतलब इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, इसमें यहां आ जाएगी अंदर घुसते हुए और यहां से ये क्या होगी, बाहर आते हुए। इस प्रकार से और ले लें, ये अंदर चले जाएगी, ये बाहर आ जाएगी, और ले लें आप यहां पर, तो ये ऊपर से चले जाएगी और ये क्या हो जाएगी, बाहर आएगी, ठीक। नीचे देखें, यहां अंगूठा, ये करंट अब इधर आ रहा है घूम के आपका, तो आप अंगूठे से इधर लें। अब यहां क्या हो रहा है, यूं एंट्री ले रहा है आपका, तो ये उंगलियां कहां आ रही, अंदर से बाहर आ रही, इस गोले से बाहर आते हुए यूं घुस रही है। तो आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर लाएंगे और इसमें अंदर ले जाएंगे, फिर आप यूं बाहर आएगी, इसमें अंदर जाएगी, यूं बाहर आएगी, यूं अंदर जाएगी। तो आप देखेंगे कि सेंटर पर ये देखिए, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन लगभग लगभग क्या हो गई है, एक जैसी। समझ में आ रहा है आपको, इज इट क्लियर। ये आपको कहा जाता है स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। अभी तक आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं आ रही थी,
बहुत कुछ आने लग गया। फिर याद दिलाना चाहूँगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो किससे डिनोट करते हैं, बी से। बी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बी के ऊपर क्या लगता है? एरो। ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था? अरस्टर। अरस्टर ने क्या बताया था? वेन एवर देयर इज अ फ्लो ऑफ करेंट इन अ कंडक्टर अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड किसने दिया था? बायो सावर्ट के लॉ ने। ओके, कितना होता है? बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि सर ये म्यू जीरो अपॉन फोर पाई क्या है? भैया आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फिर भी आपको पेट दर्द ना हो, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है 10^-7। में यूनिट की ओर अभी नहीं जा रहा हूँ। और म्यू जीरो को कहा जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक परमिटिविटी या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। याद रहेगा आप लोगों को, रखना ही पड़ेगा। अरे यहां पे क्या हो रहा है कि करंट के बहने के कारण मैग्नेटिक फील्ड का जन्म हो रहा है। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का बर्थ देख रहे थे। मैं बता दूं, ये दोनों बड़े गजब की चीजें हैं। गजब की चीजें ऐसी है कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म का जन्म हो जाता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हो जाता है। या अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो यहां पर देखें कि क्या है। अभी तक आप देख रहे थे करेंट के कारण मैग्नेटिज्म। अब आपको एक वर्ड समझना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद में आगे कहानी चलूंगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। यह भी 12th में आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से अटैच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी सरफेस से अटैच्ड, किसी सरफेस से, किसी सर्किट से, किसी क्वाइल से अटैच्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। इट मींस नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। इफ यू हैव द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब आपके पास क्या है? यू नो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। आप समझे, मैग्नेट से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और किसी सरफेस से कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है, वही क्या पता चलता है? मैग्नेटिक फ्लक्स से। कोई सरफेस है, कोई क्वाइल है, कोई सर्किट है, उससे कितनी मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही है परपेंडिकुलरली, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको एक बहुत फेमस साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम सुनाता हूँ, फैराडे साहब। फैराडे, फैराडे साहब ने यह देखा कि जब कभी किसी क्वाइल के पास, देखिए एक नीचे उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगाया था। क्या लगाया था? गैल्वेनोमीटर। आपको मैं बता दूं गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो केवल करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करती है और करंट की डायरेक्शन को। अगर सर्किट में करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्शन देता है। अगर करंट इधर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उस तरफ, करंट इधर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है, यह क्या भला है? यह एक डिवाइस है जो क्या बताती है? करंट की डायरेक्शन और करंट है कि नहीं है। अगर करंट नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन ही नहीं, और करंट होगा तो डिफ्लेक्शन के साथ साथ हमको उसकी डायरेक्शन पता चलेगी। तो उन्होंने क्वाइल ली और क्वाइल के पास एक मैग्नेट को रखा, और जब उन्होंने इस मैग्नेट को तेजी से क्वाइल के पास लाए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन हुआ, पास लाए तो डिफ्लेक्शन, दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन। अब साइंटिस्टों को दिखाया उन्होंने कि यार जब कभी भी मैं मैग्नेट को क्वाइल के पास लाता हूं या क्वाइल के से दूर ले जाता हूं तो डिफ्लेक्शन होता है। इट मींस करंट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट आया। और उन्होंने किसको मूवमेंट करवाया था? मैग्नेट को। किन्होंने? फैराडे साहब ने। तो फाइनली फैराडे साहब ने कंक्लूजन दिया, क्योंकि जैसे मैग्नेट पास आता है, जैसे ही मैग्नेट इसके पास आता है तो इस क्वाइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है। जब ये मैग्नेट दूर जाता है
तो इससे गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाता है। इज इट क्लियर? जब पास आने लगा तो इससे ढेर सारी मैग्नेटिक लाइंस गुजरने लगी, जब दूर जाने लगा तो मैग्नेटिक लाइंस की संख्या घटने लगी। तो हो क्या रहा था कि जितनी बार मैग्नेटिक फ्लक्स की संख्या बदली, इससे अटैच्ड इस कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है या बढ़ता है, तो यहां गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, और यही बताया जाता है कि क्या प्रोड्यूस हो जाता है? करंट। तो फैराडे साहब ने कंक्लूजन किया, एक फाइनल स्टेटमेंट डिक्लेयर किया कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अटैच्ड विद द कॉइल और सर्किट, अ करंट इज प्रोड्यूस्ड, या कह दे कि अ ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, करंट इज प्रोड्यूस्ड या इन ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। उन्होंने इस करंट को क्या नाम दिया? इंड्यूस्ड करंट। इज इट क्लियर? जब कभी भी किसी भी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स या तो घटता है या बढ़ता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उस कॉइल में एक करंट का जन्म होता है, और उस करंट को क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। और ये सबसे पहले हमने अब सिद्ध कर दिया कि मैग्नेटिज्म से किसका बर्थ हो गया? करंट का। अभी हमने वायर में, इससे पहले जब हमने वायर में करंट फ्लो करा था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी, अब मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन करने से क्या प्रोड्यूस होने लग गया है? करंट प्रोड्यूस होने लग गया। करंट तो प्रोड्यूस हो गया, परंतु ये करंट किस दिशा में बहेगा, करंट किस दिशा में जाएगा, उसके लिए कोई लॉ है, उसके लिए कोई नियम है। करंट किस दिशा में फ्लो होता है, तो उसके लिए भी एक लॉ दिया गया। ठीक है, तो हम उसको पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के आधार पर। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताने वाला है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन बताने वाला है। मैं बीच में आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाना भूल गया, पहले मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ा दूं, फिर मैं लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा दूंगा, सॉरी फॉर दैट, आगे पीछे हो गया, एक टॉपिक याद नहीं रहता। सो नाउ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? यदि हम हमारे राइट हैंड, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड्स फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, ध्यान से देख लें, ये तीन उंगलियों की बात कर रहे हैं, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, मतलब तीनों को एक दूसरे के क्या कर लिया जाए? परपेंडिकुलर कर लिया जाए। ये इस उंगली के परपेंडिकुलर है, ये अंगूठा इसके परपेंडिकुलर है, और यदि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड कहां से होता, कहां होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। तो यदि फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड की, और थंब किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? मोशन की। किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है? मोशन की, या फोर्स की कह दो, तो मिडिल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फिर से, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर राइट हैंड्स फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर एंड अरेंज इन सच अ वे दैट फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स, देन मिडिल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, मिडिल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट। याद रहेगा, आसान हो गया आपके लिए। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल काहे के लिए है? इंड्यूस्ड करेंट की डायरेक्शन पता करने के लिए। क्या होता है इंड्यूस्ड करेंट? जब कभी भी किसी भी कॉइल से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है, उस करंट को क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड करंट। सो यहां पर भी वही हो रहा है, उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पता करना है। तो व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड्स राइट हैंड्स फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर एंड फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर और शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन मिडिल फिंगर विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ओके, तो हम कुछ हद तक समझ गए। अभी मेरे मुंह से निकला था कि मैं एक टॉपिक भूल आया, कहीं पीछे पढ़ाना था, वो था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी तो मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बताया,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रह गया मेरे हाथ पढ़ाने को। चलिए समझिए वो क्या बोला है। यदि कभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अगर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाना हो तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड पे कैसे बनाते हैं, कॉपी में कैसे बनाते हैं, ऐसी पैरेलल लाइंस दिखा दीजिए। तो ये पैरेलल लाइंस क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहाँ से चालू करना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कहाँ से चालू करना चाहिए, इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा, कहाँ खत्म करना चाहिए, साउथ पोल पर। और हर जगह एक समान पावर है मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। जैसे यहाँ पे अगर कहा कि 10 टेस्ला, तो यहाँ पे भी 10 टेस्ला, यहाँ पे भी 10 टेस्ला, यहाँ पे भी 10 टेस्ला, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। मान लिया उसकी वैल्यू कितनी है, बी, बी कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 6, 7 टेस्ला कुछ भी हो सकता है। आप इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा है, कंडक्टर मतलब वायर, हमारा एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर की लेंथ एल है, कितनी लेंथ है, एल, एल लंबाई का कंडक्टर है। इसमें हमने आई एम्पियर करंट फ्लो करा, कितने एम्पियर करंट फ्लो करा, आई एम्पियर करंट फ्लो करा। और मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ या करंट के बीच के एंगल कितना है आपका, थीटा है। एक्चुअली करंट के बीच में नहीं लिया जाता है, लेंथ और बी के बीच का एंगल कहा जाता है। सो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगाती है। क्यों लगाएगी भाई, फिर से, यदि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है और उस कंडक्टर में आप करंट बहा दो, करंट फ्लो कर दो, तो करंट फ्लो होने से उस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी। क्यों लगाएगी, कारण समझो, कारण समझो। यहां दो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, उसके कारण भी क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब आपको तो पता है नॉर्थ नॉर्थ पे पोल लगाता है, नॉर्थ साउथ पे पोल लगा फोर्स लगाता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरी मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स तो लगाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड पे लगाओगे और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, कंडक्टर, तो कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जब कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जब कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और उस फोर्स की वैल्यू होती है F इक्वल टू होता है आई बी एल साइन थीटा। कितना फोर्स लगता है, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इससे तो हम पता कर लें कितना लगेगा, पर किस दिशा में फोर्स लगेगा, पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो तो पता नहीं चला हमको, वो तो पता नहीं चला, क्योंकि ये फॉर्मूला तो केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को लॉरेंज फोर्स भी कहा जाता है। कौन सा फोर्स कहा जाता है, लॉरेंज, कौन सा फोर्स कहा जाता है, लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये भी बता दूं कि यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज क्यू, ध्यान से सुने, अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करोगे दोस्तों, अगर कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी के साथ, अगर कोई चार्ज क्यू वी वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में घुसता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज क्यू पे क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। और उस फोर्स का फॉर्मूला होता है बी क्यू वी साइन थीटा, मिलता जुलता आई बी एल साइन थीटा से मिलता जुलता, बी क्यू वी साइन थीटा, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, बाद में हायर क्लासेस में समझेंगे हम लोग इन चीजों को। तो हमने देख लिया करंट भी क्या है, मोशन ऑफ चार्ज ही है भाई साहब। हमने बोला वहां करंट बह रहा है, करंट बह रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है। अगर चार्ज रेस्ट में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इस फोर्स को भी लॉरेंज फोर्स कहा जाता है। हाँ, तो फोर्स तो निकाल लिया, दो दो फॉर्मूले फोर्स के निकाल लिए, पर फोर्स किस दिशा में लगेगा उसके लिए है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड्स फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। ध्यान दे, दोनों लॉ एक जैसे दिखाई देते हैं, कंफ्यूज होते हैं। राइट हैंड रूल किसके लिए यूज करते हैं, इंड्यूस्ड करंट के लिए, और ये काई के लिए है, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए।
समझ जाएं, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड्स फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन इच अदर इन सच अ वे दैट फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स। रिपीट करूंगा, कौन सा रूल बना रहा हूं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके बाद मैं यही लेक्चर को क्लोज कर दूंगा, अपन इसके बाद और अगले लेक्चर में समझेंगे, कंफ्यूज ना हो आप लोग, है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड्स फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर एंड अरेंज इन सच अ वे दैट फोर फिंगर, आपकी फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ योर लॉरेंज फोर्स, देन थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। सो इट्स वेरी इजी, आप इसको रिपीट करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन का पूरा फायदा उठाएं, पढ़ें, और जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं उन पर आप अंडरलाइन कर लें। जब आप रिज्वाइन करेंगे BKG, तब हम आपको और अच्छे से इन टॉपिकों को क्लियर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी हम उस वक्त भी रिपीट करेंगे, पढ़ाएंगे, परंतु जिनका पढ़ा हुआ रहेगा, जिनके शब्द सुने हुए रहेंगे, उनके लिए कोर्स जल्दी खत्म होता है, उनको जल्दी से समझ में आता है, और जिनका पढ़ा हुआ नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिए ही नहीं, ऑनलाइन लेक्चर को इसलिए मैंने बंद रखा कि अगर मैं ऑनलाइन लेने गया तो 30 बच्चे आ रहे हैं, 30 बच्चे नहीं आ पाते ऑनलाइन पर। हमने हर बार देख लिया 60-60 के बीच में 30-30 बच्चे आते, 30-30 नहीं आते हैं, जो 30 नहीं आते उनका कोर्स का लॉस हो जाता है। इसलिए हमने बकायदा चैनल बना के वीडियो डाल दिए हैं कि खरगोन के हर एक बच्चे का फायदा हो, वो BKG आना चाहे ना आना चाहे, BKG का स्टूडेंट्स हो या ना हो, सभी मेरे बच्चे हैं। खरगोन के जितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो मेरे सबके, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैं चाहूंगा सभी जन इसका फायदा उठाएं। थैंक यू।